अयोध्या के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन पांडे जी हमारे साथ हैं। पवन पांडे जी, मिल्कीपुर की सीट को लेकर के आज यहाँ चर्चा हुई है, क्या निर्णय हुआ है, किसको टिकट मिलने वाला है? टिकट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषित करेंगे चुनाव घोषित होने पर। इतना मैं जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी। वहाँ के साथी कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, जोन प्रभारी आए थे और सभी लोगों ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने इस बात का संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग सताए जा रहे हैं, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भारतीय जनता पार्टी से निजात चाहिए, योगी सरकार से निजात चाहिए और मिल्कीपुर का उपचुनाव योगी सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा और योगी सरकार आने वाले समय में हटेगी। 27 में प्रचंड बहुमत के साथ श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उसकी शुरुआत मिल्कीपुर चुनाव से होगी। भारी बहुमत से वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। ये कहा जा रहा है कि अजीत प्रसाद जी को टिकट मिलने जा रहा है, इस बात को लेकर के कितनी आप लोग की सहमति है? देखिए, ये सहमति और असहमति कोई विषय नहीं है, कहीं टिकट में कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट घोषित करेंगे, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी, साइकिल निशान लड़ेगा और साइकिल निशान प्रचंड बहुमत से जीतेगा। पर उसी सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ प्रचार कर रहे हैं, कितना मुश्किल लगता है? क्योंकि मुश्किल जिस दिन से योगी आदित्यनाथ जी ने प्रचार शुरू किया है और ये कहा कि हम मिल्कीपुर कटहरी लड़ाएंगे देखेंगे, उसी दिन से मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी की बात होने लगी है। लोग योगी आदित्यनाथ जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हराएंगे क्योंकि वो प्रभारी हैं, तो उन्हें पता लग जाए कि जनता में क्या लोकप्रियता है। पिछले दिनों जो रेप केस हुआ उसको लेकर के तमाम चर्चाएं हुई और ये बात कही गई कि इससे कहीं ना कहीं सपा के ग्राफ में कुछ गिरावट आई। देखिए, ऐसा है, वो जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सांप्रदायिकतापूर्ण बातें करती है, हिंदू मुसलमान के लड़ाने की बात करती है, तो वही भाषण योगी जी देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे जाति धर्म बिरादरी मजहब के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी सारी जाति बिरादरी मजहब का सम्मान करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप पवन पांडे जी को सुन रहे थे जिन्होंने एबीपी लाइव से बातचीत की और कहा कि किसको किसी को भी प्रत्याशी बनाया जाए, इस बात को लेकर के कोई आपत्ति किसी को नहीं है। जो भी अखिलेश यादव प्रत्याशी जिसको भी तय करेंगे उसको मिल करके जिताया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वहाँ का प्रभारी बनने के बाद किसी भी तरीके की कोई दिक्कत सपा को नहीं है और सपा बड़ी जीत वहां हासिल करने जा रही है, ऐसा पवन पांडे का दावा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।